शिट। यो गाइस, मेरा नाम जान के तुम्हारी जिंदगी का अनलक नहीं कम हो जाने वाला। तो आज की वीडियो एनिमे लवर्स के लिए होने वाली है। काफी टाइम से मैंने चैनल पर एनिमे के ऊपर कोई वीडियो बनाया नहीं था, पर अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा वीक है, हफ्ता है, वो कम्प्लीटली एनिमे वीक होने वाला है। मतलब आगे की जो दो वीडियो डालूंगा वो भी जापानी कार्टून के ऊपर ही होगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो गलती से, ताकि आप वो वाली वीडियो मिस ना करो। खैर, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक डार्क कॉमेडी और एडवेंचर से भरा हुआ शोनन एनिमे अनडेड अनलक, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो शो की स्टोरी पे बात करें तो इसकी कहानी दो मेन कैरेक्टर फूको और एंडी पर मोस्टली फोकस रखती है। फूको जो है वो एक 18 साल की लड़की है जिसके पास अनलक की एबिलिटी है। मतलब जितना तुम उसे टच करोगे उतना बैड लक तुम्हारी जिंदगी में होने लगेगा, जो कि तुम्हारी जान तक ले सकता है। इवन फूको के अनलक की वजह से उसके पेरेंट्स तक अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडी जो है उसके पास अनडेड पावर है, जो कि उसे इमॉर्टल बनाती है। मतलब वो कभी मर नहीं सकता। इवन तो वो चाहता होता है मरना, क्योंकि वो इतने टाइम से जिंदा होता है कि उसे खुद को याद नहीं होता कि कब वो पैदा हुआ था या फिर उसे ये इमॉर्टलिटी मिली कैसे। अब एक लड़की जिसका अनलक किसी को भी मार सकता है और एक लड़का जो कि कभी मर नहीं सकता, इस लाइक रब ने बना दी जोड़ी, अ परफेक्ट कपल, राइट। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद कितने एडवेंचर्स करते हैं, क्यों ये एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, दोनों का फाइनल गोल क्या है, ये सब तुम खुद शो देख के पता करना। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। ओवरऑल अनडेड अनलक की बात करें तो आई फ्रीकिंग लव्ड दिस एनिमे, और ये मेरी टॉप 10 पर्सनल फेवरेट ऑफ ऑल एनिमे की लिस्ट में एड हो चुका है। इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसे खत्म कर दिया था, 24 के 24 एपिसोड लपेट दिए। ये उन गिने चुने एनिमेस में से है जिसकी शुरुआत तो धीमे होती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं ये तुम पे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और ट्विस्ट फेंकने चालू करती है, जिसे देख के तुम्हारी एक्साइटमेंट मैक्स लेवल पे पहुंच जाती है। और जो एंडिंग है वो पीक मोमेंट पे खत्म होती है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे जो एनिमेज या शोज है वो इसका अपोजिट दिखाते हैं। बाकी अगर शो का सबसे बेस्ट पार्ट बताना हो तो वो एंडी और फूको के बीच का जो एफ्ड अप रिलेशनशिप थ्रू आउट द सीरीज दिखाया जाता है वो है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव बोथ द कैरेक्टर्स, क्योंकि उन्हें लिखा ही इतने अच्छे से गया है। और अगर तुम्हें एनिमे के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी हो, देन यस, दिस इज बेस्ड ऑन मांगा विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2020 एंड स्टिल ऑन गोइंग, अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा अनडेड अनलक का जो एनिमे है वो पिछले साल 2023 के अक्टूबर में प्रीमियर होना चालू हुआ था, और इस साल प्रोबेबली शायद फरवरी तक चला था। और अगर तुम्हें सीजन 1 के बाद की स्टोरी कंटिन्यू करनी हो, देन मांगा का चैप्टर 83 से पढ़ना चालू कर सकते हो। मैं तो पर्सनली इसका सेकेंड सीजन का वेट करूंगा, बिकॉज फर्स्ट सीजन वॉज फ्रीकिंग ऑसम। बस होप करता हूँ कि इसके सेकंड सीजन को कैंसल ना कर दे, क्योंकि अभी तक उसे रिन्यू नहीं किया गया है। अब वैसे तो मैं यूजुअली स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर अभी कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है उसे जितना हो सके अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करना, या फिर एटलीस्ट उन्हें इस एनिमे के बारे में बताना, ताकि वो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग शो को देखे और इसकी रेटिंग बढ़े, जिसकी वजह से शायद इसका सेकंड सीजन कैंसिल ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, क्योंकि बहुत ही बुरा लगेगा अगर कैंसिल हो गया तो। सो जाओ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे देखो, ओरिजिनल जैपनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर इंग्लिश डब में देखना हो देन उसके लिए थोड़ी मेहनत और जुगाड़ करना पड़ेगा, बट इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट अगर तुम करोगे तो। बाकी एक और वर्दी चीज करनी हो तुम्हें, देन चैनल को विजिट कर लेना अगर कॉन्टेंट पसंद आए, उसके बाद ही डिसीजन लेना सब्सक्राइब करना है या नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून। यार मजा तो आ रही है। देखता है क्या कब सुला गया।